बेस्ट फोन अंडर 30,000। आप एक ऐसा फोन देख रहे हैं जिसमें गेमिंग भी अच्छी हो, डिस्प्ले भी अच्छा हो, बैटरी कैपेसिटी भी अच्छी हो, फास्ट चार्जिंग भी आए, हीटिंग इश्यू भी ना हो, कैमरा भी अच्छा हो और गुड लुकिंग भी हो, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 फोन बताऊंगा जिसके प्रोज भी बताऊंगा, कॉन्स भी बताऊंगा। इन सभी फोन को रैंकिंग वाइज डिवाइड किया है, जो आपको पसंद हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसा ले सकते हैं। नंबर 3 पे आता है Realme GT Neo 2। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में 6.62 इंच की Samsung E4 Super AMOLED डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ मिल जाएगा। HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा। Gorilla Glass 5 का सपोर्ट भी है। बात करें प्रोसेसर की तो शानदार प्रोसेसर मिलता है, Snapdragon 870 प्रोसेसर प्लस GPU अलग से मिलता है Adreno 650 का। बात करें कैमरा की तो 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलता है प्राइमरी सेंसर के साथ, जो आपको 4K रिकॉर्डिंग करवा सकता है 30 FPS पे। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का क्रिस्टल क्लियर कैमरा मिलेगा, जिससे आप फुल HD तक वीडियो रिकॉर्डिंग आराम से कर सकते हैं। बात करें बैटरी की तो 5000 mAh की बैटरी मिलती है 65W के फास्ट चार्जिंग के साथ में। आपका फोन 36 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। प्लस ये फोन में हीटिंग इश्यू भी बहुत कम है। इस फोन में आपको ड्यूअल स्पीकर मिलेंगे। इस फोन में आपको 5G सपोर्ट मिल जाएगा, वो भी 8 बैंड के साथ। रैम और स्टोरेज की बात करें तो 8GB 128GB मिलता है। मैं आपको इसको ऑनलाइन लेने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये ऑफलाइन फोन 28,000-29,000 में आराम से मिल जाता है, तो 32,000 क्यों देने। ऑफलाइन जरूर ट्राई कीजिएगा और सेल आए तो आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बात करते हैं इस फोन की कमियों के बारे में, तो ये फोन थोड़ा मोटा है और हैवी वेट है। सेकेंड, इसमें IP रेटिंग नहीं है, मतलब वाटर प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है, क्या है इसका अभी तक नहीं पता है। बात करें नंबर 2 फोन की, भाई साहब ऑलराउंडर फोन जिसे कह सकते हैं, सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग A52s। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में आपको 6.5 इंच का सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला सैमसंग का डिस्प्ले मिल जाता है, वो भी गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ आती है। प्रोसेसर की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर मिलता है, जो आपको हाई सेटिंग पे एकदम स्मूथली गेमिंग करवा के भी दे सकता है। Adreno 650 GPU मिल जाता है, जो आप गेम खेलेंगे ना तो लैग जिटरिंग आपको बिल्कुल फील नहीं होगी, एकदम स्मूथ चलेगा। बात करें कैमरा की तो इन सारे फोन में से इसका कैमरा सबसे बेस्ट है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, जिससे आप 4K 30 FPS पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैक में ट्रिपल कैमरा आते हैं। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का क्रिस्टल क्लियर कैमरा मिलेगा, बहुत अच्छी और डिसेंट सेल्फी निकाल के देता है। प्लस सैमसंग फोन है तो इसमें अपडेट आपके आते रहेंगे, कोई बग भी हुआ तो वो अपडेट में फिक्स हो जाते हैं। आप फ्रंट कैमरे से भी 4K वीडियो बना सकते हैं, वो भी 30 FPS पे। बात करें बैटरी की तो 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है विद 25W फास्ट चार्जिंग के साथ में। 1 घंटा 3 मिनट में आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा। 5G आता है, वो भी 12 बैंड के साथ में। 3 साल तक आपको मेजर अपडेट देखने को मिलेंगे। 3.5 mm का जैक आता है, ड्यूअल स्पीकर के साथ आता है, IP67 की वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को मिल जाती है और नॉक्स की सिक्योरिटी विद नॉक्स का फोल्डर लॉक भी अवेलेबल है। ये फोन आपको 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। इसका 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आप 30,000 में आराम से खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर देखिएगा। बात करें इस फोन की कमियों की तो ये 3,000-4,000 रुपए ओवर प्राइस फोन है और इसका बैग जो है वो प्लास्टिक में है, तो अगर कोई हाथ में लेगा तो उसे थोड़ा प्रीमियम फील नहीं होगा, बाकी दिखने में A1 है। सो फाइनली अब हम आ गए हैं नंबर 1 फोन की तरफ, जो है OnePlus की तरफ से आने वाला Nord 2। भाई साहब डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला शानदार डिस्प्ले मिलता है। साथ ही आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। इसकी बैक भी ग्लास बैक आती है, जो दिखने में इन हैंड फील बेस्ट है, कोई हाथ में लेगा तो भी बोलेगा यार क्या फील आ रहा है। बात करें इसके प्रोसेसर की तो MediaTek का Dimensity 1200 प्रोसेसर देखने को मिलता है। GPU आपको G77 देखने को मिलेगा।
मिलेगा जो आपको मस्त गेमिंग करवा के देगा। कोई तरह का लैग जटरिंग इश्यू बिल्कुल नहीं होगा। मीडियम टू हाई सेटिंग पे आप इजीली BGMI, COD बहुत सारे गेम प्ले कर सकते हैं। हीटिंग इश्यू भी इसमें नहीं के बराबर है। बात करें इसके कैमरा की तो इसके बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है जो आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग TFPS पे दे सकता। पोर्ट्रेट मोड से इससे शानदार फोटोग्राफी आती है। फ्रंट में आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का कैमरा जिससे आप 4K वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे। 4500 mAh की लिथियम बैटरी देखने को मिलती है। फोन में हीटिंग इश्यू बिल्कुल नहीं होगा। 65 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, मतलब आपका फोन 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। साथ 5G बैंड के साथ ही आता है और ड्यूल स्पीकर मिलते हैं, वो भी डॉल्बी एटमोस के सपोर्ट के साथ। मतलब आप मूवीज वीडियोस देखेंगे, गेम खेलेंगे तो आपको फील होगा दोनों कानों में डॉल्बी एटमोस। ये फोन आपको 3 कलर में अवेलेबल आराम से हो जाएगा। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट आप 30,000 रुपए में खरीद सकते हैं। बात करें इस फोन के कमियों की तो इसमें कोई भी IP रेटिंग नहीं मिलेगी, मतलब वाटरप्रूफ है, डस्ट प्रूफ है या नहीं है। और इस फोन की ब्राइटनेस थोड़ी सी और ज्यादा अच्छी हो सकती थी। वैसे सभी फोन जो मैंने बताया उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी रुकिए, अगर आपको 20,000 तक टॉप 5 फोन ऐसे देखने हैं जो आप आंख बंद करके ले सकते हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। अगर आपको 15,000 तक बेस्ट फोन लेना है तो आप इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। और आपको 25,000 तक बेस्ट फोन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। वैसे सभी प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां से बाय कर सकते हैं। इस छोटे भाई की एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।